आज की बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, आप सभी के लिए आज के मुख्य समाचार और बिग ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं। दिन भर की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक दोस्तों पहुंचाएंगे। आप लोग साथ में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ी खबरें पहले पहुंचे। सबसे पहले दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अपडेट। बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग के अधिकारी बाहरी राज्य के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ रहे हैं नाना पटोले। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगा दिया है। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से चुनाव आयोग यहां भी खेला करने की तैयारी में है। नाना पटोले ने कहा कि बाहर के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, महाविकास अघाड़ी के समर्थकों के नाम चुन चुन के ये लोग काट रहे हैं। बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग के अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने चुनाव से पहले महाराष्ट्र के DGP को हटाने के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया है। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने याचिका खारिज कर दी, जबकि भाजपा ने चुनाव आयोग से चुनाव से पहले झारखंड के DGP को हटाने का अनुरोध किया है। चुनाव आयोग ने तुरंत हटाने का आदेश दिया और फिर गोदी मीडिया का दावा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं, जब यहाँ पर महाराष्ट्र में DGP को हटाने की बात होती है तो चुनाव आयोग मना कर देता है। झारखंड में अगर बीजेपी मांग करती है तो तुरंत उसकी मांग को मान लेता है चुनाव आयोग। देख सकते हैं कांग्रेस ने यहाँ पे रुख अपना रखा है बीजेपी पर, और देख सकते हैं चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली करा दिया है दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने। झारखंड चुनाव को लेकर दोस्तों महागठबंधन तैयार है, राहुल गांधी ने कमर कस ली है। रांची पहुंचे राहुल गांधी और यहाँ पे जबरदस्त तरीके से बीजेपी चुनाव आयोग को घेरा। आपको बताते चाहे राहुल गांधी चुनाव प्रचार कहा गया झारखंड में कर दिया है, संविधान पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, ED CBI चुनाव आयोग मीडिया सब बीजेपी के कब्जे में है, रांची में बोले हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग भी बीजेपी के इशारों से यहां पे काम कर रहा है, नौकरशाही में इनका पूरा नियंत्रण है, आयकर विभाग ED CBI सभी इनके कब्जे में है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे गोदी मीडिया को भी लताड़ा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई संविधान वर्सेस मनुस्मृति की है, कोटे पर 50% की लिमिट हटा देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया है झारखंड के रांची में। और दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो आ रही है वह बताते चाहे दोस्तों, झारखंड बीजेपी की पहली लिस्ट में परिवार बढ़ाओ योजना। जी हाँ, ज्यादातर बीजेपी नेताओं के परिवार से संबंधित व्यक्तियों को टिकट दिए गए। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को टिकट मिला, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट, चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल को टिकट मिला है, शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को टिकट मिला है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे तमाम परिवारवाद की लिस्ट दिख रही है। इस पूरे मामले पे कांग्रेस भी जबरदस्त तरीके से हमलावर है। वहीं आपको बताते चले जो बड़ी खबर है EVM को लेकर आ रही है। जनता मंथन पर एडवोकेट महमूद प्राचा का जबरदस्त भाषण, आंदोलन का नारा दिया डरो मत, कांग्रेस सपा बसपा चाहे कोई भी पार्टी हो जो इस आंदोलन का साथ नहीं देता वो लोग हैं जो दूसरों की मेहनत की मलाई खाते हैं। महमूद प्राचा बोले, मोदी को कोई वोट ना दे फिर भी चुनाव आयोग यहाँ पे खेल करता है क्योंकि उसके पास EVM है। ये महमूद प्राचा का बयान है दोस्तों जंतर मंतर से दिया। और उन्होंने आगे कहा कि हम बाबा साहब के दिए वोट के अधिकार को पाने के लिए EVM हटाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन कर रहे हैं और चुनाव आयोग को यहाँ पर EVM हटानी ही पड़ेगी। ये आंदोलन अभी बस एक छोटी सी चिंगारी है और इसको जन आंदोलन बनाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आगे आना ही होगा। महमूद प्राचा दोस्तों EVM के खिलाफ ये वकील मोर्चा खोले हुए हैं और देख सकते हैं एक बार फिर से EVM को मुद्दा जोर पकड़ रहा है और इसे हटाने की मांग भी तेज होती जा रही है। आप किसके समर्थन में है दोस्तों EVM या बैलेट पेपर, जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर में बताते चले जो CGI को लेकर आ रही है। SC से विपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद गलत। जी हाँ दोस्तों, मन मुताबिक फैसले ना आए तो लोग कहते हैं आलोचना CGI। चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार के विपक्ष की भूमिका में होने की उम्मीद गलत है। दोस्तों वकीलों के कार्यक्रम में CGI बोले कि सुप्रीम कोर्ट आम जनता के लिए है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह संसद में विपक्ष की भूमिका निभाने लगे। सीधे तौर पर दोस्तों इसे माना जा रहा है कि उन्होंने BJP को लेकर बयान दिया, उसके समर्थन में बयान दिया है। दोस्तों CGI का बयान ऐसे समय आया है जब उनके रिटायर होने में कुछ ही दिन शेष हैं
और इससे पहले एक बार फिर से वह चर्चा में आ गए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद गलत है। जी हाँ, ये सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है। देख सकता है रिटायरमेंट से पहले ये बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही दोस्तों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पीएम मोदी के साथ जो पूजा के दौरान तस्वीरें वायरल हुई थी उसको लेकर भी काफी यहाँ पे विवाद हुआ था। सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते नजर आए थे। और अब एक तरीके से सीजीआई का ये बयान आया है कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता है। सुप्रीम कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला देते हैं, यह सीजीआई का कहना है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगली अपडेट बताते चले। झारखंड पहुंचते ही खेला कर दिया राहुल गांधी ने, द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति का नाम लेकर चल दिया है बड़ा दांव। झारखंड में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयार हो गए तो आरजेडी नाराज बताई जा रही। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी रांची पहुंचे तो उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू का नाम लेकर ऐसा दांव चला कि बीजेपी को जवाब देना ही पड़ा। इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना का जिक्र कर ओबीसी को भी लुभाने की कोशिश की। संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू का नाम लेकर आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग की है, लेकिन जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो आदिवासी होने की वजह से उन्हें नहीं बुलाया जाता। राम मंदिर का उद्घाटन धूमधाम से होता है, लेकिन आदिवासी होने की वजह से राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। भाजपा के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से राहुल गांधी ने यहाँ पे घेरा है बीजेपी को सीधे तौर पर, और बीजेपी को कोई जवाब देते नहीं बना। दोस्तों झारखंड की 29 विधानसभा सीटें आदिवासी बाहुल है। इतना ही नहीं, यहाँ महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान बताकर राहुल गांधी वहां के आदिवासियों खासकर महिला वोटरों को संदेश देना चाहते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये ताजा अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही झारखंड बीजेपी में घमासान मच गया है। जी हाँ, लिस्ट जारी होते ही फूटा है इस्तीफों का बाम। मेनका सरदार ने पार्टी छोड़ी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, बड़ा धमाका हुआ। लिस्ट जारी होने के कुछ ही देर बाद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोट का विधानसभा सीट से 3 बार भाजपा के चुनाव पार्टी चुनाव टिकट पर जीतने वाली मेनका सरदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में मेनका ने नहीं जाहिर की नाराजगी। दोस्तों आपको बताते चले, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को कोट का विधानसभा से उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के कुछ ही देर बाद भाजपा नेता मेनका सरदार ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा भेजा। दोस्तों देख सकते हैं ये शुरुआत हो गई है इस्तीफों की बीजेपी में। आज की हर एक बड़ी खबर थी अभी तक के ताजा समाचार, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।